जी, कितने परसेंट मराठा? 28% तो हुआ मराठा, 35% हुआ ओबीसी, जिसके लिए खजाना खोल दिया गया, और तकरीबन 12% है दलित। तो मराठा, और मैं इसमें मुस्लिम और जोड़ दूं 12%, ओबीसी को जरा दरकिनार कर देती हूं, तो 12% मुस्लिम, 12% दलित और तकरीबन 28% मराठा, ये सब कोलैब होकर इंडिया गठबंधन के पाले में गया, क्योंकि संविधान का नैरेटिव चला। वो दलित क्या हिंदू एकता के नाम पर और बंटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव में जुड़ता दिखेगा क्या विधानसभा? महाराष्ट्र और उत्तर भारत, इसमें एक फर्क बहुत बड़ा है कि उत्तर भारत का दलित जो है वो हाईली एजुकेटेड नहीं है या पॉलिटिकली बहुत अवेयर नहीं है। आप वो मायावती जी चला ले जाती हैं, डंडा हाँक करके वो चल देता है। महाराष्ट्र में ऐसा कतई नहीं है, कभी नहीं रहा। बाबा साहब अम्बेडकर की ये धरती है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप नहीं है, सैकड़ों ग्रुप हैं, दर्जन भर मराठा दलित ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं, और सब के हेड जो हैं वो अनपढ़ टाइप के नहीं हैं, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो। तो महाराष्ट्र में जो दलित पॉलिटिक्स होती है वो कहीं ना कहीं साहित्य से जुड़ करके, दलित पॉलिटिक्स की शुरुआत ही महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में जो हुई वो उसकी शुरुआत ही साहित्यिक बेस पर हुई है, साहित्य के आधार पर वो हुई है। मराठा दलित पहले साहित्य में दलितवाद आया, बाद में वो राजनीति में उलझा, तो एक अलग तरह का माहौल है। उस तरह का नैरेटिव आप छेड़ देंगे और आप नारा लगा देंगे और वो भागता हुआ दौड़ता हुआ इधर से उधर चला जाएगा, ऐसा होता नहीं है। जब तक विश्वास ना हो जाए कि हमारे संविधान को और हमारे आरक्षण को बीजेपी छेड़ेगी नहीं, कभी नहीं छेड़ेगी। बार बार बीजेपी ने ये क्लियर किया है, लेकिन ये विश्वास नीचे उतरता नजर नहीं आ रहा। ये 19 में भी नहीं उतरा अनुराग जी, वो जो भाव 19 के, मैं अगर लोकसभा चुनाव को भी फ्लूक मान लूं तो 2019 के चुनाव में भी नहीं उतरा। सीटें घटी एनसीपी, सीटें घटी शिवसेना की भी और सीटें घटी बीजेपी की। वो स्थिति, मैं आऊं मराठा वोट बैंक पर। मराठा वोट बैंक में एक बड़े वर्ग को, मतलब मराठों में जो मेजर वर्ग है 96 कुलों वाला जो उच्च वर्णीय मराठा है उसको छोड़ करके, वो छोटा वर्ग है, बड़ा वर्ग कुनबी मराठा है, यानी खेतिहर मराठा है। वो जो कुनबी मराठा है उस वर्ग को बहुत बड़े हिस्से में, आप भी इसको कई बार अपने कार्यक्रम में बता चुकी हैं कि वो उसको जो है आरक्षण में हिस्सा मिलना शुरू हो गया एट द कॉस्ट ऑफ ओबीसी। ओबीसी को पिछली बार पिछले चुनाव में बहुत जोर से बीजेपी ने और सत्ता पक्ष ने कहा था कि हम ओबीसी के आरक्षण को हाथ लगाए बिना मराठों को आरक्षण देंगे, ये हमारी शर्त है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ओबीसी का आरक्षण बाधित हो चुका है। तकरीबन 55 लाख सर्टिफिकेट बांटे अनुराग जी के, जो नेता थे जी 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 जी, और वो बट रहे हैं आज भी वो प्रक्रिया जारी है, वो पिछला आंकड़ा है, ये पता नहीं और कहां तक जाएगा। तो ये जो स्थिति है लोकल चुनावों में, जो ओबीसी चुन करके आते थे, यहाँ मेजर हिस्सा राजनीति में मराठों का कब्जा है एक तरह से, अब जो ओबीसी सीटें हैं उन पर भी, जो लोकल इलेक्शंस हैं अब उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में मराठा चुन करके आएंगे, कुनबी मराठा जो आरक्षण पा गए हैं। तो पूरा पॉलिटिकल स्केप एक तरह से बीजेपी और शिंदे की सरकार के आने के बाद पूरा पॉलिटिकल स्केप महाराष्ट्र का तेजी से बदला है। तो यानी ये जो बंटेंगे तो कटेंगे, ओबीसी नेताओं को चुप करा दिया गया। हाँ जी, तो यानी कि बंटेंगे तो कटेंगे, ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं एक, हाँ आप कह लीजिए, कह लीजिए, कोशिश हो रही है दिल्ली में बैठे लोग। राजनीति महाराष्ट्र में नहीं बनती, दिल्ली में बनती है या नागपुर में बनती है। ये लोग जो राजनीति बनाते हैं ये बड़े बड़े वाइडर स्केल पे बनाते हैं, लेकिन लोकल स्तर पर एकदम नीचे के स्तर पर वो कैसे रिएक्शन होता है, ये राजनीति शायद रणनीति बनाने वालों को भी शायद समझ नहीं आता उस समय, जब वो रणनीति तो जब 400 पार का नारा दिया था तो किसको मालूम था वो 400 पार का नारा ही खतरनाक बन जाएगा बीजेपी के लिए, है ना। तो वो स्थिति जो है, वो जो स्थिति जो है, आज की स्थिति जो है, ओबीसी आज मराठों में एक हिस्सा निश्चित तौर पर शिंदे का विश्वास लेकर के वहाँ जाया गया है उस तरफ, और मुझे लग रहा है शिंदे कैंडिडेट्स को अच्छा खासा फायदा उसका मिलेगा। लेकिन जब ओबीसी वर्ग अगर इससे छिटक गया कहीं तो फिर वो आपस वही स्थिति हो जाएगी फिर से, मतलब ये एक चर्निंग चालू है इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में। तो 28% जो मराठा है, यानी कि अनुराग जी ऐसे समझूं क्या मैं इसे दर्शकों की सरलता के लिए, कंफर्ट के लिहाज से,
कि 28% जो मराठा हैं वो तो इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण नहीं मिला, 25 से 28%। ओबीसी इसलिए नाराज हैं कि मराठा के एक सेक्शन यानी कि कुनबी को ओबीसी के तहत सर्टिफिकेट दे दिया। सही समझ रही हूं क्या मैं जी? अब ये स्थिति है, वो मैंने आपको बताया कि एक मराठा वर्ग को आरक्षण मिल गया। शिंदे ने जो 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 एकनाथ शिंदे ने जिद करके एक ऐसी स्थिति बनाई कि वो सर्टिफिकेट बंटने शुरू हो गए। वो आरक्षण जमीनी स्तर पर क्या गुल खिलाता है ये अब पिछले चुनाव में पूरी तरह ओबीसी फैक्टर पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और बड़े बड़े नेता उन्होंने खड़े के लक्ष्मण हाके जैसे नेताओं को खड़ा किया गया था बाकायदे जारंगे पाटिल के खिलाफ और उनके बाकायदे घूम के प्रचार हो रहे थे। इस समय सबको दूर कर दिया गया है, वो लक्ष्मण हाके बीजेपी को अंटशंट बक रहे हैं। हालत ऐसी है कि और बाकी जो नेता थे छगन भुजबल जैसे नेता थे जो जो बोल रहे थे बहुत ज्यादा मुकर होकर बोल रहे थे मराठा आरक्षण के बारे में, वो बिल्कुल चुप बैठ गए हैं, शांत कर दिए गए हैं। मुंडे परिवार जो है वो शांत कर दिया गया। बैकवर्ड नेता इस समय जो बीजेपी अपने आप को देश में आप मोटे तौर पर बैकवर्ड राजनीति को आगे बढ़ा करके एक अलग तरह का नैरेटिव कुछ बरस पहले तक तैयार किया था, इस समय महाराष्ट्र में बैकवर्ड नेताओं का बिल्कुल गला घोंट दिया गया है, बीजेपी में चुप कर दिया गया है, बोल नहीं सकते वो, तो सच नहीं बोल सकते। लेकिन जनता थोड़ा और कंक्लूड कर दीजिए इसको सरलता से, तो ये जो कोलैब बनाने की कोशिश है, ये बुके बनाने की कोशिश है 80% का, जिसमें ओबीसी होंगे, जिसमें दलित होंगे, ये संभव दिखता है क्या महाराष्ट्र में? शुरू में जहां से शुरुआत आपने विद्रोही जी जो बात कह रहे हैं वो बड़ा उनका गहरा अनुभव है उनका। बीजेपी अगर विश्वास हो जाता उसको कि 5 लाख वोटरों में अगर 2 लाख बहनों को हम पैसा पहुंचा चुके हैं, हम जीत रहे हैं, तो हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो जिस पार्टी को राजनीति में विश्वास हो जाता है वो जस का तस शांत हो जाती है और कोई रणनीति नहीं करती। कटेंगे या बटेंगे का नारा फेंकना ही इस बात को इंगित करता है कि अब बीजेपी को अभी भी बहुत ज्यादा विश्वास जमीनी स्तर पर नहीं है।